तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस के अंदर के बीच में कंपैरिजन। तो ऑनलाइन यूपीएस हमारा क्या होता है, जो सप्लाई करता है पावर कंटिन्यूसली लोड को 24 आवर्स, ठीक है, मतलब पूरे टाइम करता है वो। और जो ऑफलाइन यूपीएस होता है वो हमारा सप्लाई करता है बैटरी पावर जब कनेक्टेड होती है लोड को, ओनली जब सप्लाई ऑफ होती है उसी टाइम करता है, 24 आवर्स नहीं करता। ये मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट होता है साइज़ के अंदर। और जो ऑफलाइन होता है वो हमारा लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स में होता है। ऑनलाइन यूपीएस हमारा स्विचिंग टाइम जो उसका होता है वो 0 मिनट पर सेकंड के हिसाब से होता है, हमारा 0 मिनट सेकंड के हिसाब से। और जो हमारा ऑफलाइन है वो जनरली मतलब 5 मिनट पर सेकंड से कम ही होता है। ऑनलाइन यूपीएस में हमारा क्या होता है, साइन वेव आउटपुट होती है और इसके अंदर हमारी स्क्वायर वेव और साइन वेव आउटपुट होती है, दोनों होती है इसमें हमारी। ऑनलाइन यूपीएस जो होता है वो यूज़ होता है नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के लिए, जैसे हमारा फाइल हो गया और सर्वर हो गया। और जो हमारा ऑफलाइन यूपीएस हो गया वो हमारा पीसी के लिए यूज़ होता है। मैंने इसमें यूपीएस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, जिसमें आपको बताया हुआ है यूपीएस क्या होता है डायग्राम के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो देख सकें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे सके वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।